फिरोजाबाद के जसराना तहसील के रहने वाले जितेंद्र अपनी पत्नी शशि को लेकर कल फिरोजाबाद उसकी डिलीवरी कराने के लिए श्री आरवीएस पुष्पा देवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसकी डिलीवरी हो गई। जब परिवार वालों ने बच्चे को देखने के लिए हॉस्पिटल वालों से कहा तो वह आनाकानी करने लगे और रुपयों की डिमांड करने लगे, पहले 2100 रुपए दो तब बच्चे को दिखाया जाएगा। लेकिन रुपए नहीं दिए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आपके बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे कहीं और दिखवा दीजिए। लेकिन बच्चा पहले ही हॉस्पिटल में मर गया था। जब उसे दूसरी जगह ले जाकर डॉक्टरों को दिखाया तो बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसी को लेकर मृतक बच्चे के परिवार वालों की महिलाओं ने और अन्य सदस्यों ने आरबीएस पुष्पा देवी हॉस्पिटल के बाहर सर्विस रोड पर जाम लगा दिया। जब इसकी खबर पुलिस को मिली तो पुलिस ने उन्हें समझा बुझा कर जाम को खुलवाया। वहीं मृतक बच्चे के परिजन हॉस्पिटल संचालक की शिकायत करने थाने गए हैं। बच्चा वो है और बच्चा है के बाद में रो हुआ जी और इतनी बुना करी हमें बहुत ढेर में दो है बच्चा और बच्चा देवे के बाद में नन नहीं कही बढ़िया जगह पर कहूँ भर्ती करा जाएगी कछू न रो हाथ में अब कछू ना क्या हॉस्पिटल में हमें लेके डोले आए। बच्चा नहीं खत्म हुआ है, बच्चा में धड़कन की कमी क्या मतलब क्या लगता है कैसे किस तरीके से इन्हें की डिलाइट है इन्हें की डिलाइट है इन्हें लापरवाही करी है। तो कब जन्मा था बच्चा? ये 11:30 बजे जन्म हुआ। कौन सा हॉस्पिटल है? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।